दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिला सूरजपुर के बारे में। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सूरजपुर जिले की कई ऐसी मजेदार रोचक तथ्य है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर चलते हैं सूरजपुर की शानदार सफर पे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है, जो अपने कई मूल्यवान संसाधन और अपने खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। वहीं सूरजपुर जिले को 1 जनवरी सन 2012 में सरगुजा जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था, जिसे 550 गांव, 392 ग्राम पंचायत, 6 ब्लॉक और 7 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में ओडगी तहसील, भयाथान तहसील, सूरजपुर तहसील, प्रतापपुर तहसील, रामानुजनगर तहसील, लटोरी तहसील और प्रेमनगर तहसील शामिल है। वहीं सूरजपुर जिले की औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर और गिरवरगंज है। इसके अलावा सूरजपुर जिले की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कुदरगढ़ तथा सारासोर है। वहीं सूरजपुर जिले की प्रतापपुर तहसील में ही राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शुगर मिल स्थित है, जिसे हम मां महामाया शक्कर कारखाना के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सूरजपुर जिले में राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य भी स्थित है, जिसे हम तामोर पिंगला अभयारण्य के नाम से जानते हैं। और तो और बेमेतरा के बाद सूरजपुर ही एक ऐसा जिला है जो राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा तिवरे की उत्पादन करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा फूलों की उत्पादन सूरजपुर जिले में ही किया जाता है, और राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा मूंगफली की उत्पादन सूरजपुर जिले में ही होता है। वहीं सूरजपुर जिले में नागेशिया, गोंड, बैगा, उराव, पांडो, नांग और कोरवा जनजातीय के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री विजेता राजमोहनी देवी सूरजपुर जिले की ही रहने वाली है। वहीं सूरजपुर जिले की सबसे प्रसिद्ध लोक उत्सव गंगा दशहरा है, जो ज्येष्ठ मास के दशमी को मनाया जाता है। और तो और दोस्तों, सूरजपुर जिले की सबसे प्रसिद्ध मेला मड़ई कुदरगढ़ में रामनवमी को लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दूसरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सूरजपुर जिले की विश्रामपुर में ही स्थित है। वहीं सूरजपुर जिले की प्रशासनिक मुख्यालय सूरजपुर शहर में स्थित है। सूरजपुर जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 2787 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ की वर्तमान समय में जनसंख्या 835,000 के करीब है, जिसमें से 95% हिंदू, 3% मुसलमान और बाकी 2% अन्य समुदाय के लोग हैं। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 981 महिलाएं हैं, और यहाँ की प्रत्येक आबादी 280 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। सूरजपुर जिले की 10% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 90% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। सूरजपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों और खनिजों पर आधारित है। वहीं सूरजपुर जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित हो रहे जिलों में भी गिना जाता है, जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। सूरजपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरजपुर जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG29 है। वहीं सूरजपुर जिले से 4 प्रमुख नदियां बहती हैं, रिहान नदी, महान नदी, पिंगला नदी और मोरन नदी। इसके अलावा सूरजपुर जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफ़ी विकसित हुआ है, जहाँ की कुल साक्षरता दर 62% के करीब है, और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सूरजपुर, गवर्नमेंट कॉलेज भयाथान, गवर्नमेंट कॉलेज विश्रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज रामानुजनगर, गवर्नमेंट कॉलेज सिलफिली, गवर्नमेंट आईटीआई चंद्र, गवर्नमेंट आईटीआई ओडगी,
गवर्नमेंट आईटीआई प्रतापपुर, गवर्नमेंट आईटीआई प्रेमनगर, गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर, गवर्नमेंट कालिदास कॉलेज प्रतापपुर, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जरी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज ओटगी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज प्रेमनगर, सूरज पीजी कॉलेज एवं पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान सूरजपुर जिले में स्थित है। सूरजपुर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं सरगुजिया, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, कुरुक एवं अन्य है। वहीं सूरजपुर अपने सड़क मार्ग के जरिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर जैसे कई अन्य बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक छोटे स्तर का रेलवे स्टेशन भी स्थित है जो अंबिकापुर रेलवे के माध्यम से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जैसे भारत के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आप रेल मार्ग, बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए सूरजपुर आसानी से पहुँच जाएंगे। वहीं सूरजपुर जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें तामोर पिंगला अभ्यारण्य, माँ महामाया मंदिर, कुदरगढ़ देवी मंदिर, साराशोर मंदिर, केनापारा रेस्टोरेंट, रक्सगंडा जलप्रपात, पिलखा झील, कुम्हेली जलप्रपात, शिवपुरी शिव मंदिर, काल भैरव मंदिर, लफरी फॉल्स, झंखा पिकनिक स्पॉट, बाघ पिकनिक स्पॉट एवं गौरी शंकर मंदिर सूरजपुर जिले की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।